अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ुबैर बेग रियल स्टेट एडवाइजर से आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं इस घर का फ्रंट एलिवेशन। ये घर वाकया है पाकिस्तान टाउन में। व्यूअर्स, एक नहायत खूबसूरत तीन पोर्शन घर, एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये इसका ग्रीन एरिया, ये इसका खूबसूरत सा गेट। इस साइड पे आपको रोड दिखा दूं मैं, ये सीधा ये बाहर पाकिस्तान के मेन रोड उस पे निकल जाएगा और ये साथ ही आपको मस्जिद मिलेगी और इसी गली में आपको स्कूल भी और सब कुछ, यहाँ पे मार्केट्स वगैरह बहुत करीब मिलेंगे। इसका मैं आपका ग्राउंड फ्लोर का व्यू नहीं कराऊंगा क्योंकि उस पे रिहाइश है। मैं फर्स्ट फ्लोर का आपको विजिट कराऊंगा, नीचे और ऊपर बिल्कुल सेम एक जैसा बना है। बस इसका गैराज आप देख सकते हैं, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये साइड पे इसका वॉशिंग वो देख सकते हैं आप, गीजर वगैरह सारा कुछ इस साइड पे आ गया। इस साइड पे ही इसकी साइड गैलरी आप देख सकते हैं। 10 पल्ले पे मुहित है ये मकान। वे जब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जाने। टेरेस आप देख सकते हैं, टेरेस इसकी, दरवाजे दरवाजों में दियार की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। इसका ड्राइंग रूम क्या है, इसका मेन एंट्रेंस। जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं आपको ये दाएं तरफ एक ड्राइंग रूम एरिया आप देख सकते हैं। अच्छा खूबसूरत और मुनासिब साइज का कमरा। ये दूसरा साइड पे इसका ये दूसरा कमरा आप देख सकते हैं इसका। इधर भी कुछ सामान वगैरह पड़ा है आप देख सकते हैं, काफी बड़ा और खुला कमरा। इसकी सीलिंग में लाजा कीजिए, अच्छी खूबसूरत सीलिंग। तो इसका वॉशरूम भी मैं आपको दिखाता चलूँ। इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं, इसका इधर पहुंचते हैं तो ये इसका मेन टीवी लॉन्च। ये यूज्ड घर है थोड़ा, आप देख सकते हैं ये सामने इसके दो कमरे इधर दिए गए हैं और ये इस साइड इसकी सीलिंग भी दिखाता चलूँ आपको। इस कमरे का विजिट करते हैं, इस कमरा आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा और खुला कमरा। सीलिंग भी देखते चले आप, इस साइड पे ये इसकी खूबसूरत सी अलमारी और ये इसका वॉशरूम दिखा दूं मैं आपको। ये इसका वॉशरूम देखिएगा, इधर हम चलते हैं इसके दूसरे कमरे की जाने। टीवी लॉन्च का दबाव, ये सामने आपको इसकी मीडिया वॉल अलमारी है पूरी है, इसमें आप इधर में टीवी रख सकते हैं अपना। तो इस साइड पे इसका दूसरा कमरा, ये काफी बड़ा और खुला कमरा है। तो इस साइड पे इसकी अलमारी आ जाती है और इस साइड पे इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं। सब किचन भी मैं दिखाता चलूं, किचन को इस साइड पे ये शीशा लगा के ग्लास लगा के इसको बंद कर दिया गया है और ये इसका किचन छोटा सा और मुनासिब साइज का किचन।
ये देख सकते हैं आप, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किचन नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा किचन। फ्लोरिंग की बात करें तो सब जगह मार्बल लगा हुआ है, छत का मायना भी करते चलें कि छत पे क्या है। ये इसकी छत की तरफ हम जाते हैं, इस साइड से आपको बाइक का दिखा दूं, ये सामने मस्जिद और कमर्शियल एरिया इसके बिल्कुल करीब, इमाम बारगाहें बिल्कुल करीब, स्कूल बिल्कुल करीब, मार्केट्स बिल्कुल करीब। ऊपर की जानिब गामजन इसकी छत का एरिया आप देख सकते हैं, छत पे एक आपको सर्वेंट रूम दिया गया है, ये देख सकते हैं सर्वेंट रूम दिया गया है, और ये ऊपर इसका वाटर टैंक, ये इर्द-गिर्द का एरिया। ये अच्छा खूबसूरत घर 10 मरले पे महूत स्लाइटली सा यूज हुआ हुआ है, इसमें बेसमेंट भी है। आपको सिर्फ मैंने एक जगह का फर्स्ट फ्लोर जो है उसका विजिट करवाया है, क्योंकि नीचे जो है वो फैमिली रह रही है, इसलिए सारे पोर्शन तकरीबन एक जैसे बने हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छा खूबसूरत घर स्लाइटली सा यूज़ हुआ हुआ। बस मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।